गुड मॉर्निंग एवरीवन इन टुडे सेशन वी डू वी डिड सम क्वेश्चन सो आई एम रिवाइजिंग दो क्वेश्चन ओनली आर फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन ग्राम इनटू केजी एंड ग्राम आप सबको पता है इसका कन्वर्जन वन वन के में कितने ग्राम्स होते हैं थाउजेंड ग्राम्स होते हैं थाउजेंड में कितनी जीरो थ्री जीरो तो पीछे की थ्री डिजिट बन गई हमारी ग्राम और जो भी डिजिट आगे बच गई वो बन गई हमारी के जी नेक्स्ट क्वेश्चन वन अपॉन फोर ऑफ सिक्सटीन पेंसिल्स इसे सॉल्व करना है one upon four को एज इट इज लिखा ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और सिक्सटीन नीचे कुछ भी नहीं है वन लगा दो सो आंसर इज पेंसिल्स नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी मिनट्स इन थ्री आवर्स थ्री आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं सबसे पहले वन आवर में कितने मिनट होते हैं सिक्सटी मिनट्स सो

प्लस कर देंगे और जब 4000 को 54 से प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 4054 मीटर 4054 मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिलअप है जो पूछ रहा है टू एड लाइक फ्रैक्शन वी नीड टू एड ओनली देयर डैश द डिनोमिनेटर रिमेन द सेम जबी भी हमें लाइक like फ्रैक्शन को एड करना होता है तो हम क्या एड करते हैं और हमेशा हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है हम हमेशा न्यूमरेटर को ऐड करते हैं मैंने आपको बताया था ना कि डिनोमिनेटर चेक कर लेना कि दोनों सेम है या नहीं और फिर जब वो सेम होते तो हम क्या ऐड करते हैं ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर सो टू ऐड लाइक फ्रैक्शन वी नीड टू एड ओनली देर न्यूमरेटर नेक्स्ट क्वेश्चन द क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड दैट अ कंटेनर और वेसल्स कैन होल्ड इज कॉल्ड इट्स कुछ बच्चे लाइव सेशन में इसका आंसर वॉल्यूम दे रहे थे बट आंसर वॉल्यूम गलत है मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंटेनर और वेसल का पता लगाना कि उसमें कितना लिक्विड आ सकता है उसको हम क्या कहते थे उसको हम उसकी कैपेसिटी कहते थे द क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड दैट अ कंटेनर और वेसल्स कैन होल्ड इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी कि कंटेनर की कितनी कैपेसिटी है कि वो इतनी क्वांटिटी लिक्विड की डाल सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी आवर्स इन टू डेज टू डेज में कितने आवर्स होते हैं वन डे में ट्वेंटी फोर आवर्स होते हैं तो टू डेज में कितने होंगे टू डेज में ट्वेंटी फोर इंटू टू दैट इज फोर्टी एट आवर्स फोर्टी एट आवर्स नेक्स्ट क्वेश्चन द टाइम बिटवीन नून एंड मिड नाइट इज डिनोटेड बाय नून मतलब दिन के बारह बजे मिड मतलब रात के बारह बजे नून से लेके मिड तक हम क्या डिनोट करते हैं ऑप्शन है आपके पास ए एम नेक्स्ट ऑप्शन है क्लॉक नेक्स्ट ऑप्शन है पोस्ट मैरिडम पोस्ट मैरिडम बोल दो या पीएम बोल दो एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस तो आप इसमें से क्या लिखोगे दिन के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक हम क्या डिनोट करते हैं ए एम क्लॉक पोस्ट मैरिडम पोस्ट मैरिडम या फिर इसको पीएम एम कह लो ऑन ऑफ दीज द आंसर दोस्ट मैरिडम दैट इज पीएम। लास्ट क्वेश्चन द नंबर लेफ्ट ओवर आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वन नंबर फ्रॉम अनदर रिपीटेडली इस कॉल्ड दी जब भी हम किसी नंबर को दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट करके हमारा जो लेफ्ट ओवर मतलब बच जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं ऑप्शन है आपके पास डिवाइजर Dividend, quotient, remainder, क्या बोलते हैं उसको जो भी बच जाता है उसको हम remainder बोलते हैं answer आंसर इज The answer इज remainder. सो so, इसी तरीके के questions की हमने आज लाइव सेशंस में प्रैक्टिस करी थी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे बेटा बीच में से भी आ सकते हैं इसलिए कह रही हूं ध्यान से पढ़ो ठीक है All the best.